खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है। हो सकता है आज का ये टॉपिक आप में से कई लोगों को पसंद न आए। माता सरस्वती, पूजा, संगीत, इन सब का आपस में जो संबंध है वो एक सच्चा संगीतकार ही समझ पाएगा, जो कि म्यूज़िक को स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव और डिवोटिव तरीक़े से जानता है, सीखता है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए मेरा एक विचार, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी का एक विचार कि संगीत में माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। राग बसंत में एक ये छोटी सी मैंने सरस्वती वंदना की एक लाइन आपके सामने प्रस्तुत की है। ये मेरे दादा गुरु पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी की बनाई हुई धुन है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए, सरस्वती वंदना से ही शुरुआत की जाए ऐसे टॉपिक पर जो कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, आप लोगों के लिए अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, मगर मेरे पिताजी का एक मत है अपना, उनका एक विचार है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, समझाया है, और मैं भी अग्री करता हूं और मैं भी आपके सामने यही प्रस्तुत करूंगा, यही विचार रखूंगा। और इसी से मैं डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा कि कर्म ही हमारी पूजा है, कर्मैव पूजा, ये आपने सुना होगा, वर्क इज वर्शिप। क्योंकि संगीत एक दिव्य चीज़ है, ये ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे हम पढ़कर रटकर सीख सकते हैं, नहीं, ये बड़ा ही स्पिरिचुअल विषय है। जब तक आपका अंतर्मन इससे नहीं जुड़ा होता है तब तक सच्चा सुर जो है वो बाहर नहीं आता है। ऊपरी सतह पे आप रहकर सीख सकते हैं और ऊपरी ऊपरी नॉलेज आप इससे ले सकते हैं, मगर अगर गहराई में अगर आपको जाना है तो आपको समझना होगा कि ये एक दिव्य विषय है, मेडिटेटिव साधना का विषय है। और जो हमारी माता सरस्वती है, माँ सरस्वती है, वो वाणी की देवी हैं। कहते हैं कि वो कंठ पे अगर विराज जाएं तो जो आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, या ये कहें कि आप सत्य ही बोलते हैं, है ना, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलता है। तो अगर माँ सरस्वती को खुश करना है, उनको अगर आपको प्रसन्न करना है, तो आपको बिल्कुल भी कोई पूजा अर्चना आराधना इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे पिता गुरु का मानना है और मेरा भी यही मानना है कि उनको ये सारे जो आडंबर हैं इन सब से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। उन्हें अगर आपको प्रसन्न करना है तो सिर्फ आपकी साधना से ही आप प्रसन्न कर सकते हैं, आपके कर्म से आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो वाणी की देवी हैं। तो आपको अपनी वाणी में सच्चाई पैदा करनी होगी, अपने आप उनको प्रसन्न कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप आरती वारती करें उनकी, आप पूजा करें, घंटियाँ बजाएं, तिलक करें, अगरबत्ती जलाएं, फूल माला दिए, ये सब ठीक है, ये सब अपनी जगह है, ये सब अपनी
मन की इच्छा है आपकी, है ना, मगर अगर उन्हें वाकई में आपको प्रसन्न करना है तो अपने कर्म पर फोकस कीजिए, अपने कर्म अपनी साधना पर फोकस कीजिए, अपने आप माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी और वो आपके काम को, आपके काम में वृद्धि आएगी, आपके कर्म में वृद्धि आएगी, उसमें क्वालिटी आएगी, है ना, उसमें क्वांटिटी आएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। ऐसा मेरे पिताजी का भी मानना है कि अपने कर्म पर फोकस कीजिए, अपने कर्म को सच्चा कीजिए। मेरे दादा गुरुजी भी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आपको सच्चा सुर चाहिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके स्वर में सच्चाई हो, मिठास और एक्यूरेसी, ये सब तो ठीक है, ये सब तो आपकी रियाज से आ सकती है, लेकिन सच्चाई अगर चाहिए स्वर में कि वो सुन के लगे कि कुछ दिव्य है ये, तो आपको अंदर से निश्चल होना पड़ता है, निर्मल होना पड़ता है, छल कपट से इन सब से दूर होना पड़ता है। यानी वाकई में जब आप खुद सच्चे होंगे और यू नो पवित्र होंगे, तभी जाके आपका स्वर सच्चा होगा, ईमान का सुर निकलेगा। अगर आप खुद बेईमान हैं तो आपका स्वर भी वैसा ही होगा, बेजमीर हैं आपका स्वर भी वैसा ही होगा। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि जैसी आपकी प्रकृति, जैसा आपका नेचर, वैसा आपका संगीत। तो ये वही चीज़ है कि अगर सच्चा सुर लगाना है और सच्ची साधना करनी है, उसे प्रसन्न करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है, और क्योंकि संगीत जो है ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, तो अपने कर्म पर फोकस कीजिए, वर्क इज वर्शिप को फॉलो कीजिए। कोई आपको पूजा अर्चना आराधना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साधना करने की आवश्यकता है, और इसी साधना से, इसी तप से, इसी तपस्या से आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, ईश्वर को भी और आपके कर्म को भी। जाहिर बात है आपका कर्म ही आपका ईश्वर है। अगर आपने कर्म नहीं किया तो ये कुछ साधना पूजा जो अर्चना ये कहीं काम नहीं आएगी, अगर आप बैठे रहेंगे, है ना। मेरे पिताजी एक एग्जांपल देते हैं कि बैठे बैठे तो शेर को भी उसके मुंह में आके खाना कोई नहीं डाल के जाता है, उसको भी वो 24 घंटे मिलते हैं उसको भी, और उसमें भले ही वो कितने ही घंटे आलस करता है, वो सोता है क्योंकि वो शेर है, है ना, 18-20 घंटे वो सोता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है, जब खाना खाना होता है, तो उठ के खुद ही उसे जाना होता है। अजगर को ले लीजिए, उसके भी मुँह में जाके कोई खाना नहीं डालते, वो भी बड़ा आलसी जीव है, अपना खाना खा के वो भी सो जाता है, लेकिन खाना खाने के लिए उसको ही खुद उठना पड़ता है और जाता है वो, है ना। पड़े पड़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, है ना। एक बहुत ही अच्छा कोट है उनका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का, मतलब एक इंटरव्यू मैंने सुना था, तो मैंने उन्हीं के मुंह से सुना, तो मैं उन्हीं को कोट करूंगा। कहते हैं कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आप ही के भरोसे बैठा हो, है ना, ईश्वर भी आप ही के भरोसे बैठा हो, यानी आपके कर्म के भरोसे बैठा है। आप कुछ करेंगे नहीं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको कुछ मिल जाएगा और उसकी बरकत हो जाएगी, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, कृपा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा और कर्म खुद ही करना पड़ेगा, कर्म को पूजा मान के करना पड़ेगा। आपकी जो पूजा है, जो आराधना है, जो मन में आप जो भी जिसको भी डिवाइन पावर मानते हैं, अपने काम को मानिए, फिर देखिए कि कैसे आपके काम में वृद्धि होती है। तो अगर सरस्वती को भी प्रसन्न करना है, सरस्वती वाणी की देवी है, वाक देवी है, आपके संगीत की देवी है, तो संगीत में लग जाइए, उसकी साधना कीजिए, फिर देखिए वो प्रसन्न है, और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप डायरेक्ट जुड़ते हैं फिर, और कोई जरिया नहीं, और कोई माध्यम नहीं, संगीत ही एक माध्यम है, इसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपके जहन तक पहुंचा सका होगा मैं, आपके दिलो दिमाग में मैंने घर कर दिया होगा कि अपने कर्म पर फोकस कीजिए, वर्क इज वर्शिप, है ना। तो ऐसे ही हमने भी कुछ मेहनत की है, 15 अप्रैल को एक नई गज़ल रिलीज़ होने वाली है, तो आप देखिए उसको मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे, हम रेगुलर कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, संगीत प्रभा वर्ल्ड पे भी, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे भी। तो देखते रहें, जुड़े रहें संगीत से, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आप और क्या क्या नया टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, है ना। कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा, नया नया लाता रहूंगा। शुक्रिया।